या रसूल अल्लाह, जो चीज आप अपने लिए पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। आपने तो ये गुलाम को अपना मुअज्जिन बना लिया। जो गुलाम कल तक लोगों की आवाज पर दौड़ता था, आज लोग उसकी आवाज पर अपने गर्म बिस्तर छोड़कर मस्जिद की तरफ चले आते हैं। आप नीचे बैठे होते और हजरत बिलाल हबशी ऊपर खड़े अजान दे रहे होते। ऐसे करीम मौला को भी ताइफ वालों ने पत्थर मारे। आपके सर से निकलने वाला खून आपके पांव तक पहुंच गया। आपकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके जख्म साफ करते हुए रोई होंगी, मगर आप नहीं रोए। हाँ, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए रोए, उम्मती उम्मती। आज जब आपकी उम्मती एक दूसरे का खून बहाते हैं, तो आपको रोना तो आता होगा।